तो दोस्तों एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो लेके। एंड आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आया हूँ पांच ऐसे वेबसाइट्स को लेके जो कि दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड बिलीव मी दोस्तों, जब इस पांचों वेबसाइट्स के बारे में आप जानोगे एंड पर्सनली जब यूज़ आप करोगे देन दोस्तों ये बात कहने से आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एंड दोस्तों हमारे इस वीडियो के पांचों वेबसाइट्स में एक ऐसा वेबसाइट है दोस्तों जिसके मदद से आप अपने दोस्त के साथ मजाक कर सकते हो। एंड सीरियसली दोस्तों जब अपने दोस्त के साथ आप मजाक करोगे इस तरीके से इस वेबसाइट के मदद से तो वो दोस्तों बिल्कुल से डर जाएगा, एक मिनट के लिए दोस्तों वो पूरी तरह से डर जाएगा, बिलीव मी दोस्तों। एंड बाकी के चार जो वेबसाइट्स हैं वो और भी ज़्यादा क्रेजी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, सीधा आपको वीडियो पे ही लेके चलता हूँ एंड दिखाता हूँ कौन कौन सा वेबसाइट है एंड किस तरह से आपका ये मदद कर सकती है। तो चले करते हैं दोस्तों वीडियो को फटाक स्टार्ट। तो दोस्तों हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला वेबसाइट है उसके लिए सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल को ओपन करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार में जाना है एंड नेक्स्ट दोस्तों सिंपली से यहाँ पे आपको duckduckgo.com लिख के दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे दोस्तों आप सर्च करोगे यहाँ पे duckduckgo यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड दोस्तों जिस तरह से अपना गूगल है जहाँ की दोस्तों आप सर्च करते हो सेम इसी तरह से दोस्तों ये भी duckduckgo एक सर्च इंजन है। बट फर्क क्या है दोस्तों, गूगल में अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी दोस्तों वहाँ पे आप वॉच करते हो, किसी चीज़ का दोस्तों वहाँ पे आप एक्टिविटी करते हो तो वो सारा एक्टिविटी, वो सारा हिस्ट्री दोस्तों वहां पे सेव किया जाता है, वहां पे दोस्तों कहीं पे स्टोर किया जाता है। बट वहीं पे बात करें duckduckgo पे तो यहां पे आप अगर कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी एक्टिविटी आप इस वेबसाइट पे करते हो, इस सर्च इंजन पे करते हो तो यहां का दोस्तों आपका जो डाटा है वो दोस्तों यहां पे सेव ही नहीं किया जाता है। कहीं भी दोस्तों आपका एक्टिविटी इस सर्च इंजन पे दोस्तों कहीं पर भी दोस्तों आपका डाटा एक्टिविटी वगैरह सर्च नहीं किया जाता है। तो अगर आप उस तरह का काम करना चाहते हो, समझ रहे होगे आप, तो इस वेबसाइट पे आप आके कर सकते हो, आपका जो हिस्ट्री वगैरह डाटा वगैरह कहीं पर भी स्टोर नहीं किया जाएगा एंड से दोस्तों ये वेबसाइट सिक्योर है। वेबसाइट नंबर टू दोस्तों, अगर आपका पानी में फ़ोन गिर जाता है तो दोस्तों उस फ़ोन को चावल के डब्बे में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल को ओपन करना है एंड नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार में जाना होगा एंड फिर दोस्तों यहाँ पे आपको फिक्स माई स्पीकर पे यहाँ पे लिख के दोस्तों आपको सर्च करना होगा। देन सबसे पहला जो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा सिंपली से इसे दोस्तों आपको ओपन करना है एंड ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे जो एक बटन आपको देखने को मिल रहा है सिंपली से इसे दोस्तों आपको प्रेस करना होगा। एंड जैसे दोस्तों आप इस बटन को प्रेस करते हो तो आपके फ़ोन में जो भी पानी रहता है स्पीकर में या फिर फ़ोन में कहीं भी पानी रहता है तो सिंपली से इस बटन को प्रेस करने से आपके फ़ोन में एक वाइब्रेशन होता है दोस्तों, एक हैप्टिक फील होता है, बहुत ही तगड़ा हैप्टिक फील। उससे दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी पानी स्पीकर में या फिर कहीं भी पानी वगैरह रहता है तो वो दोस्तों उसे इंजेक्ट कर देता है, उससे दोस्तों करंटली इस साउंड के कारण दोस्तों वो सब पानी बाहर हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों अगर आपका पानी में कभी फ़ोन गिर जाए तो दोस्तों आप उसे चावल के डब्बे में मत रहना, बल्कि दोस्तों यहाँ पर इस वेबसाइट पे आके सिंपली से ये तरीके को दोस्तों आप यूज़ करना। वेबसाइट नंबर थ्री दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके आधार कार्ड के साथ, आपके आईडी प्रूफ के साथ अभी करेंटली कितना सिम एक्टिवेट है, कितना सिम चल रहा है या फिर उस सारे सिम में जो अभी एक्टिवेट है क्या आपके पास वो सारा सिम है, क्या आप उसे यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और बंदा आपके आईडी प्रूफ के साथ दोस्तों फर्जी तरीके से उस सिम को यूज़ कर रहा है एंड गलत काम कर रहा है। तो अगर ये सिचुएशन आता है तो दोस्तों आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, गूगल को ओपन करना है, फिर से दोस्तों आपको सर्च बार में जाना होगा एंड यहाँ पर दोस्तों आपको टैप कॉप लिख के प्लीज से दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना होगा एंड सबसे पहला जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा एंड यहाँ पे दोस्तों आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना एंड नेक्स्ट दोस्तों रिक्वेस्ट ओटीपी पे सिंपली से क्लिक कर देना एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओटीपी आपको यहाँ पे सिंपली से एंटर करना एंड दोस्तों वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो सारा लिस्ट निकल के आ चुका है, जो भी नंबर आपने एंटर किया उसके साथ जो भी आईडी प्रूफ यहाँ पे लिंक्ड है तो उस आईडी प्रूफ के साथ अभी कितना जो नंबर है चालू है या फिर यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक नंबर है जो कि अभी करंटली आप यूज़ नहीं कर रहे हो बट वो एक्टिवेट है, वो हो सकता है कोई और यूज़ कर रहा होगा, तो अगर आपको लगता है उसको बंद करना है तो सिंपली से यहाँ पे आपको इस तरह से टिक करना होगा एंड दिस इज नॉट माई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एंड नीचे दोस्तों यहाँ पे आप कन्फर्म करोगे तो ये जो नंबर है दोस्तों यहाँ पे आप अपील हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली से इस नंबर को दोस्तों यहाँ से बंद किया जाएगा। वेबसाइट नंबर फोर दोस्तों, फ़ोन पे किसी को अनलिमिटेड मैसेज भेज के प्रैंक करना, ये तो दोस्तों पुरानी चीज़ हो गई है बट दोस्तों अब आप व्हाट्सएप पे भी अनलिमिटेड मैसेज को भेज के प्रैंक कर सकते हो किसी के साथ।
उसके लिए सिंपली दोस्तों फिर से आपको सर्च बार को यहाँ पे ओपन करना है एंड उसके बाद सिंपली से यहाँ पे आपको लिखना है टूल बॉक्स बॉमर एंड सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है। सबसे पहला जो वेबसाइट खोल के आएगा सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आपको चले जाना है। राइट के टॉप साइड में आपको थ्री लाइन बटन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। नीचे दोस्तों आपको टूल्स पे जाना है एंड यहाँ पे व्हाट्सएप बॉमर को आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको उसका मोबाइल नंबर डालना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको कॉड लेना पड़ेगा। ऊपर आपको इसका टेलीग्राम ज्वाइन करना है एंड वहाँ से दोस्तों आपको इजिली कॉड मिल जाएगा। एंड जैसे दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे बॉम्ब आप क्लिक करोगे तो अनलिमिटेड मैसेज दोस्तों आप जिसका भी नंबर आपने अपने फ्रेंड का नंबर दिया उस पर अनलिमिटेड मैसेज आएगा। तो बट अगर आप कॉल पे किसी को बॉमर करते थे तो फ्लाइट मोड पे डालता था दोस्तों उसका बंद हो जाता था यहाँ पे अनलिमिटेड मैसेज जाना। बट यहाँ पे दोस्तों अगर वो डाटा बंद भी कर लिया फ्लाइट मोड पे भी डाल दिया बट जब वो ऑफ एन करेगा जब भी तो इंस्टेंटली जो भी मैसेज आपने भेजा है वो सारा मैसेज दोस्तों उसके पास दोस्तों पहुँच जाएगा। जब तक आप दोस्तों यहाँ से कैंसिल नहीं करते तब तक वो स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यूसली दोस्तों उसे मैसेज भेजता ही रहेगा। वेबसाइट नंबर 5 दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स को विजिट करते हो बार बार दोस्तों तरह तरह के वेबसाइट्स पे आप जाते हो तो फिर पर्सनली जो दोस्तों ये जो वेबसाइट अभी मैं बताने वाला हूँ ये बस आपके लिए पर्सनली है। बिकॉज दोस्तों अगर आप किसी भी वेबसाइट्स पे विजिट करते हो तो वहाँ पे दोस्तों आपसे आईडी पासवर्ड वगैरह वहाँ से दोस्तों आपको जीमेल पासवर्ड वगैरह मांगा जाता है। दोस्तों अगर ये चीज़ आप नहीं चाहते हो तो इसके लिए सिंपली दोस्तों फिर से आप गूगल को ओपन करो एंड फिर से दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार में जाना है एंड यहाँ दोस्तों आपको बग मी नॉट सिंपली से लिख के दोस्तों आपको सर्च करना है। एंड नेक्स्ट दोस्तों सबसे पहला जो वेबसाइट यहाँ पे बग मी नॉट को यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको करना है क्या, जिस भी वेबसाइट को आप विजिट करना चाहते हो सिंपली दोस्तों उस वेबसाइट का वहाँ पे दोस्तों आप यूआरएल को कॉपी करो एंड यहाँ पे दोस्तों सिंपली से आके पेस्ट करके यहाँ पे सर्च करो एंड उस वेबसाइट का यहाँ पे आपको एक फेक जीमेल एंड यहाँ पे दोस्तों आपको पासवर्ड मिलेगा। सिंपली दोस्तों वहाँ पे आप जीमेल पासवर्ड दो एंड आसानी से दोस्तों आप यहाँ पे उस वेबसाइट को विजिट कर पाओगे विदाउट कोई अपना पर्सनल डिटेल्स को दिए हुए। सो आई होप कि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो जो वेबसाइट्स के बारे में बताया वो सारा वेबसाइट्स आपको पसंद आया होगा एंड साथ ही आई होप कि दोस्तों इस वेबसाइट्स के मदद से आप अपने काम को बहुत ही आसानी से जस्ट चुटकी में दोस्तों आप अपने काम को कर सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों आई होप कि ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर सच में ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल से भी मत भूलना एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर और भी इसी तरह के कॉन्टेंट एंड यूजफुल दोस्तों वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हो तो इस चैनल को दोस्तों यहां पे जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल रहा है उसे दबाना बिल्कुल से भी मत भूलना एंड साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कुछ डाउट है तो नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स खाली आप वहां पे जाके मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी जो भी आपका दोस्तों वहां पे सवाल है एंड डेफिनेटली मैं दोस्तों को उसका आंसर दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तरह की वीडियो के साथ दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट टाइम।